हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आज सेकेंड वीडियो होगा। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करेंगे तो हमारा आने वाला जितना भी वीडियो और भी आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे। इससे क्या होता है कि इनकरेजिंग पावर मिलता है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आपके लिए आने वाले नेक्स्ट टाइम पे अच्छे अच्छे वीडियो, आपको नेट स्पेशलिस्ट नीट से संबंधित वीडियो भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का, आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में माय डियर हमने आपको एक डायग्राम के मीडियम से, एक डायग्राम के माध्यम से पूरे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को समझा दिया था कि कैसे एक ओवम और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो जो जाइगोट बनता है उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो किस वे में जाता है। एक हमने आपको फैलोपियन ट्यूब का पूरा एक आपको डायग्राम बताया था जिसमें हमने आपको पूरे वे बताए थे कि कैसे कैसे होते हुए डेवलपमेंट होता है और कैसे डेवलपमेंट हो करके फिर लास्ट में इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद भी ये प्रोसेस वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले हम लोग नोट्स के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का नोट्स है, एक सफिशियंट ये आपके लिए है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा स्टार्टिंग में, या तो लास्ट में भी जाते जाते आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं इस नोट्स के माध्यम से, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए एक बार हम ओवरव्यू आपको फिर बता देते हैं ताकि आपको चीज रिमाइंड हो जाए। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, यानी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो पूरा का पूरा बकायदा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए अब हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए हमने आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताए थे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला चीज हमने आपको इनसेमिनेशन के बारे में बताया था कि इनसेमिनेशन क्या है। इनसेमिनेशन का मतलब होता है कि कोई एक कॉपुलेशन के दौरान या क्वाइटस के दौरान, आप एक लेमन लैंग्वेज में समझिए कि ड्यूरिंग द लिविंग रिलेशनशिप जब कोई एक फिजिकल कॉन्टेक्ट बनता है तो जब एक क्वाइटस के दौरान जब एक स्पर्म वेजाइना के अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को इनसेमिनेशन बोलते हैं, यानी रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड इनसेमिनेशन ड्यूरिंग अ क्वाइटस और कॉपुलेशन। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसेमिनेशन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनसेमिनेशन कह रहा है कि इनसेमिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिसे हम क्वाइटस भी बोल सकते हैं, स्पर्म इज रिलीज्ड, स्पर्म रिलीज होता है बाय द पेनिस, किसके माध्यम से? पेनिस के माध्यम से, एंड और क्या होता है, पासिस इनटू द वेजाइना, और कहां पे जाता है? वेजाइना के अंदर जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इनसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसेमिनेशन बोलते हैं। अब देखिए, अब स्पर्म मोर्टाइल होता है और जब वह वेजाइना के अंदर गया तो वहां पे यूटेरस के थ्रू यूटेरस तक पहुंचने के लिए फेलोपियन से होते हुए उसको गुजरना पड़ता है। तो फेलोपियन पे एक होता है आपको रीजन जिसको एल्प्यूलरी रीजन बोलते हैं, वहां पे वो जाकर के और वहीं पे ओवम भी पहुंचता है, यानी कि फीमेल गैमेट्स पहुंचता है, दोनों का वहीं पे फ्यूजन होता है और फ्यूजन होकर के आगे की प्रोसेस वो कंप्लीट करते हैं। तो इनसेमिनेशन के बाद वाला जो प्रोसेस होता है डेट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म और ओवम दोनों अगर फ्यूज करे तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग सेक्स क्रोमोसोमल पैटर्न हमने आपको बताया था एक्स एंड वाई, जो कि मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में
एक्स एक्स होता है, तो उन दोनों के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी डिटेल्स में हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन आता भी है कभी कभी कि हाउ डज अ फादर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि एक पिता एक अपने बच्चे के सेक्स लिंग निर्धारण के लिए कैसे उत्तरदायी होता है, तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है। आफ्टर डेट हम लोग पढ़ेंगे कि इम्प्लांटेशन का कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, तो सारी चीजें हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं इस नोट्स के माध्यम से। तो इनसेमिनेशन हमने आपको बता दिया, इनसेमिनेशन क्या है। आफ्टर डेट हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, स्पर्म मोटाइल होता है और ओवम क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है यानी नॉन मोटाइल होती है। तो स्पर्म मोटाइल होता है और मोटाइल होने के बाद ये स्विम होता है, यानी कि स्विम कहने का मतलब रैपिडली मूव करते रहता है, और मूव करने के रैपिडली जो पासेस थ्रो कहां तक पहुंचता है, सर्विक्स से होते हुए यूटेरस तक पहुंचता है, और फाइनली वो कहां पे पहुंच जाता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी रीजन पे पहुंच जाता है। यहाँ पे ये आपका एम्प्यूलरी रीजन है, यहाँ पे पहुंचता है किसके एम्प्यूलरी रीजन, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी रीजन, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं ओविडक्ट। तो यहाँ पे पहुंच करके अब फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे वही चीज लिखा हुआ है कि थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि द ओवम रिलीज बाय द ओवरी। ओवम किससे रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है, और ओवरी से ओवम रिलीज होने के बाद यह भी ट्रांसपोर्टेड होता है, यह भी पहुंचता है, यह भी कहां तक पहुंचता है बाबू, तो टू द एम्प्यूलरी रीजन, यह भी यहीं पे पहुंचता है। अब जब ये दोनों माय डियर स्टूडेंट्स यहीं पे पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों का फ्यूजन कहां पे होगा, यहीं पे होगा। यानी यहीं पे जो ओवम का हमने आपको बताया था कि जोना पेलिसिडिया जो लेयर होता है, और जो स्पर्म में एक्रोसोम मौजूद होते हैं उसके कैप जो होते हैं, एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का जो कैप होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, उसमें कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, और वही एंजाइम्स जोना पेलिसिडिया लेयर्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और आफ्टर डेट साइटोप्लाज्म में जाकर के फिर वो फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बनाता है, और फिर इम्प्लांटेशन की आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ओवम होता है वो भी पहुंचता है कहां पे, माय डियर स्टूडेंट्स, एम्प्यूलरी रीजन पे ही पहुंचता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। यहाँ पे लिख दिया है जब ये दोनों पहुंचेंगे एम्प्यूलरी रीजन पे ही पहुंचेंगे, कौन, ओवम और स्पर्म, तो जाहिर सी बात है फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, नहीं होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आप हाँ किसी किसी रियल केसेस में नहीं होता है, डेट इज अ रेयर केसेस, बट मैक्सिमली होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन अब क्या होता है, हम फर्टिलाइजेशन को समझ लेते हैं, हमने आपको बता भी दिया है। फर्टिलाइजेशन है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, यानी स्पर्म का ओवम के साथ मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाना है, दोनों का फ्यूज होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट फर्टिलाइजेशन के बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा सेकेंड पोलर बॉडी। आप यहां पे ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, सेकेंड पोलर बॉडी पे आप ध्यान देंगे, क्या है सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी देखिए क्या कह रहा है कि द सेकेंड मियोटिक डिविजन जब होता है, किसमें, सेकेंड मियोटिक डिविजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड पोलर बॉडी बताने से पहले हम लोग अगर प्रीवियस क्लास को याद करें, जब हम लोग ऊजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि ओवम बनते टाइम पे कुछ डिविजन्स होते हैं, दो बार मियोटिक डिविजन होता है, टू टाइम्स, और जो सेकेंड मियोटिक डिविजन होता है वो अनइक्वल मियोटिक डिविजन होता है, और वही सेकेंड मियोटिक डिविजन का बात यहां पे कर रहा है कि जब सेकेंड मियोटिक डिविजन होता है, तो सेकेंड मियोटिक डिविजन होने के बाद ये सेकेंड मियोटिक डिविजन जो कि अनइक्वल होते हैं, जो कि क्या रिजल्ट करते हैं, टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी, वही क्या बनाते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी बनाते हैं। अब हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी के बाद, जो सेकेंड पोलर बॉडी जब बनेगा, तो उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लीवेज की, कि क्लीवेज क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लीवेज के बारे में, कि क्लीवेज क्या है। देखिए क्लीवेज क्या है,
क्लीवेज कहने का मतलब कि उसके बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनने के बाद अब क्लीवेज ये कहता है कि जैसे हम लोग क्लीवेज के बारे में अगर बात करें तो क्लीवेज ये कह रहा है कि जो सेकेंड पोलर बॉडी बन रहा है तो सेकेंड पोलर बॉडी के बनने के बाद अब हम लोग क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्लीवेज के बारे में अब डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। लेकिन क्लीवेज को डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया था, डेट इज क्रोमोसोमल पैटर्न, क्योंकि जाइगोट ऑलरेडी बन चुका है। अब जब जाइगोट बनेगा बाबू तो जाहिर सी बात है कि एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा, क्योंकि जाइगोट क्या है, जाइगोट कब बनता है, तो जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज करते हैं तो दोनों बनाते हैं जाइगोट। अब जाइगोट होता है तो मान लीजिए कि मेल से मेक्स एक्स आया और फीमेल से भी एक्स आया तो जाइगोट एक्स एक्स बना तो फीमेल बॉडी बनेगी, फीमेल डॉटर बनेगी। अगर मान लीजिए मेल से वाई आया और फीमेल से एक्स आई तो एक्स वाई मिलकर जाइगोट बनाया तो जाइगोट क्या कहलाएगा, एक्स वाई जाइगोट कहलाएगा, यानी वो मेल बॉडी बनाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इसीलिए क्लीवेज पढ़ने से पहले हम लोग जाइगोट के बारे में, जाइगोट के बारे में हमने आपको बताया, और अब हम लोग ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोमल पैटर्न क्या है, क्रोमोसोमल पैटर्न के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए वही कह रहा है, क्रोमोसोमल पैटर्न क्या कह रहा है कि एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोमल पैटर्न है इन द फीमेल में वो एक्स एक्स होता है जबकि मेल में एक्स वाई होता है, ठीक है। इसलिए ऑल द ये कह रहा है कि इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो गैमेट्स है वो फीमेल से जब सेक्स क्रोमोसोम वो एक्स और जबकि मेल का वाई होता है, और जब एक्स और वाई मिलेगा, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि जब फीमेल का एक्स मिलेगा और मेल का एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स एक्स, और जब फीमेल का एक्स और मेल का वाई तो एक्स वाई, तो वहीं पे आए। और दोनों किस फॉर्म में मिलेंगे, देखिए यहां पे लिखा है कि एक्स क्रोमोसोम, और यहां पे भी वो लिखा है कि जबकि आइदर एक्स वाई मिलेगा तो आफ्टर फ्यूजन ऑफ द, यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों का फ्यूजन होने के बाद क्या होता है कि जाइगोट दो प्रकार के बन सकते हैं, या तो एक्स एक्स बन सकता है या तो एक्स वाई बन सकता है। जाइगोट दो प्रकार का बनेगा, एक्स एक्स बनेगा या तो एक्स वाई बनेगा। अब वही जो फॉर्म करेगा कि वही क्या सिद्ध करेगा, वही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि फादर में दोनों टाइप के मिल रहे हैं, एक्स भी मिल रहे हैं और वाई भी मिल रहा है। आप यहां पे देखेंगे आइदर एक्स और वाई, जबकि मदर में केवल एक ही एक्स है, तो इसीलिए फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, यहां पे ये चीज क्लियर होता है, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट द फादर इज रिस्पॉन्सिबल और टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी और द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, क्लीवेज के बारे में हमने आपको बताया कि क्लीवेज क्या है, क्लीवेज को के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्लीवेज ये कह रहा है कि द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट, से मियोटिक डिवीजन जो स्टार्ट होता है मूव्स करता है थ्रू द इस्थिमस, इस्थिमस क्या है, ओविडक्ट का एक पार्ट है, इज कॉल्ड क्लीवेज। देखिए अब जाइगोट क्या है, जाइगोट तो बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो जाइगोट बनने के बाद इस्थिमस, इस्थिमस क्या है, इस्थिमस में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का, जो कि जाइगोट को खींचता है यूटेरस की तरफ, तो इस्थमस से होते हुए यूटेरस तक पहुंचता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर क्या होता है, ब्लास्टोमियर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। द यूटेरस फॉर्म 2, 4, 8, 16, ये जो 2, 4, 8, 16 आप देख रहे हैं ये जाइगोट के बाद बनता है, जाइगोट जब डेवलपमेंट करने लगता है तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होता है इम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो इम्ब्रियो का बनना स्टार्ट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो 2, 4, 8, 16 ऐसे कर करके माइटोटिक डिवीजन होते होते बढ़ते जाते हैं, तो वही कह रहा है कि इसमें जब यूटेरस में डिवीजन जब स्टार्ट हो जाता है सेल का डिवीजन, जब इम्ब्रियो बनने लगता है तो 2, 4, 8, 16 ऐसे कर करके इन सारे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लास्टो
मियर बोलते हैं, आप इसी को बोल सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। जब 2 4 8 डॉटर सेल जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब यहां पे सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो विथ 8 to 60 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोरूला, यानी कि 8 से 16 के बीच की ब्लास्टोमियर्स को क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है, यानी 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स को हम लोग मोरूला के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट समझिए, मोरूला के बाद अब हमें क्या क्या चीज जानना है, अब यहां पे ध्यान देंगे, हमें ट्रोपोब्लास्ट के बारे में जानना है कि ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग जानेंगे इनर मास सेल कि इनर मास सेल क्या होता है, और इनर मास सेल से फिर इम्प्लांटेशन, आफ्टर दैट विच लीड्स टू प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, किसकी अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट की, कि ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है। तो देखिए ट्रोपोब्लास्ट क्या कह रहा है कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोसाइट्स में बदलते हैं, और यही ब्लास्टोसाइट्स अरेंज हो जाते हैं इनटू द आउटर लेयर, आउटर लेयर से कवर्ड हो जाते हैं या अरेंज हो जाते हैं, और वही लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। उसी लेयर को क्या कहा जाता है, ट्रोपोब्लास्ट, यानी कि ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोसाइट्स के आउटर लेयर पे कवर्ड हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और उन्हीं लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अब इन अब ये कह रहा है कि जो इनर ग्रुप होता है, इनमें जो मास्क बन जाते हैं, मास्क का जो इनर ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल जो बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, इनर मास सेल कहते हैं। अब इनर मास सेल क्या करता है कि वही इनर मास सेल में डिवीजन होने लगता है, और डिवीजन होते होते इंडोमेट्रियम के वाल से, इंडोमेट्रियम वाल ऑफ द यूटेरस से अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद यही एज अ रिजल्ट यूटेराइन वाल से अटैच होने के बाद उसमें मियोटिक उसमें माइटोटिक डिवीजन होने लगता है, यूटेरस का साइज बढ़ने लगता है, और साथ में इम्ब्रियो का भी साइज बढ़ने लगता है, और एज अ रिजल्ट जो इम्ब्रियो है इम्बेडेड हो जाते हैं, इम्बेडेड इनटू द यूटेरस, जो कि क्या हो जाता है, क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन कहलाता है, और यही इम्प्लांटेशन विच लीड्स टू प्रेगनेंसी, जो कि लास्ट में किसका लीड्स टू प्रेगनेंसी, क्या कारण बन जाता है, प्रेगनेंसी का कारण बन जाता है। तो ये इतना हमारा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज इम्प्लांटेशन, जिसमें हमने क्या क्या चीज के बारे में डिस्कस किया, इनसेमिनेशन के बारे में हमने आपको बताया क्या है इनसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है हमने आपको बताया, स्पर्म मोटाइल होता है ये भी हमने आपको बता दिया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बारे में हमने आपको बताया, बाबू जाइगोट क्या है, तो फ्यूजन ऑफ जो गैमेट्स होते हैं फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाते हैं, और यही जाइगोट क्रोमोसोमल पैटर्न की बात करें तो या तो एक्स या तो वाई, जो कि मेल में होता है, फीमेल में केवल एक्स एक्स होता है, अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स मिला तो एक्स वाई, मेल अगर फीमेल का एक्स और मेल का भी एक्स तो एक्स एक्स, यानी कि डॉटर, ठीक है, यानी फीमेल। तो यही सारा डिस्कस हमने फिर सेकेंड बॉडी आपको बता दिया कि सेकेंड पोलर बॉडी क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी के बाद हमने आपको फिर आपको क्या बताया, क्लीवेज के बारे में बताया, क्लीवेज के बारे में ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोसाइट्स ट्रोपोब्लास्ट इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि प्रेगनेंसी तो यहां तक हो गया, अब प्रेगनेंसी कैसे बढ़ता है और जो इम्ब्रियो है इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वीडियो का नाम, वो वीडियो का टॉपिक होगा क्या होगा दोस्तों, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।